हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। माय नेम इज बसंती रावत। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश 1, चैप्टर 7। ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ये क्या है? तो ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, उस पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? तो पोयम है। On my blackboard I can draw. ये मेरा blackboard है जिसपे मैं draw कर सकता हूँ। One little house with one green door. मैं क्या draw कर सकता हूँ? तो एक house और उसमें green color का one door. Two brown gates that open the wide. टू ब्राउन गेट्स। क्या कहा गया है कि टू ब्राउन गेट है, वो मैं क्या करूँगा? ओपन द वाइड, जो गेट है उसे मैं थोड़ा खोल के बनाऊँगा। थ्री रेड स्टेप्स, ये स्टेप्स से ये कितने हैं? थ्री है। दैट लीड इन साइड, जो घर के तरफ जाते हैं। फोर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट। ये देखो, ये चिमनी है, ये कितनी है? फोर है। उसे मैं क्या करूँगा? वाइट कलर की बनाऊँगा। चिमनी किसे कहते हैं? आपको पता है, जिसे पाइप होता है उसे चिमनी कहते हैं। फाइव लिटल विंडोज शाइनिंग ब्राइट। ये विंडोज़ है, वो कितनी है? तो फाइव है। और कैसी है? शाइनिंग है, चमकीली है। ब्राइट मतलब बहुत चमकीली। सिक्स येल्लो मेरीगोल्ड। ये मेरीगोल्ड है, कितने मेरीगोल्ड है? तो सिक्स मेरीगोल्ड है। सिक्स मेरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल। उसे कैसे बनाया? उसने स्ट्रेट बनाया है और टॉल बनाया है। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने। जो ग्रोइंग करेगा मतलब बढ़ेगा, वो वॉल के सामने। तो ये क्या है? न्यू वर्ड्स है। जैसे गेट्स, जो हम इंटर करते हैं दरवाजे के आगे, तो उसे गेट्स कहते हैं। वाइड मतलब थोड़ा सा चौड़ा। लीड चिमनी, ये जो बताइए आपको, मेरीगोल्ड जो फ्लावर है, और स्ट्रेट मतलब सीधा। ये आपको पोयम क्या करनी है? घर में पढ़नी है, रीड करके याद कर लेना। रीडिंग इज फन। अभी हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोयम। इस पोयम में कितनी विंडो थी? हमने कितनी विंडो पढ़ी? तो फाइव। वेयर डू द मेरीगोल्ड्स ग्रो। मेरीगोल्ड्स कहाँ ग्रो थे? तो अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने। वेयर डू द मेरीगोल्ड्स ग्रो, तो अगेंस्ट द वॉल। से द लाउड, हमें इसे पढ़ना है। ड्रॉ ब्राउन थ्री ग्रो ड्रेन प्रेन थ्रो ग्रैप्स ड्रीप ब्रीथ थ्रेड ग्रे। लेट्स राइट। दीज आर द टू रूम्स ऑफ द हाउस। इस पिक्चर में टू रूम दिए हैं। कलर करना है उसमें। कलर देम बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है, उसे हमें कंप्लीट करना है ये रूम देख के। और इनमें क्या करना है हमें? यहाँ हमें कलर करना है। तो ये क्या है आपके लिए? होमवर्क है कलर करने के लिए। दिस इज माय बेडरूम। ये क्या है उसका? तो बेडरूम है, BEDROOM, बेडरूम। इट हैज वन विंडो। इस जो बेडरूम में कितनी विंडो है? तो वन विंडो है। द कलर ऑफ माई बेड इज, उसके बेड का कलर कौन सा है? ब्लू है। तो आपको कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर करना है। देयर आर द थ्री पिक्चर्स ऑन द वॉल। वॉल में कितनी पिक्चर है? तो थ्री है। देखो, 1, 2 and 3। This is a
ये क्या है? तो ये लिविंग रूम है, जहाँ हम बैठते हैं उसे कहते हैं लिविंग रूम। इट हैज अ सोफा सेट, ये है सोफा सेट। लिविंग रूम में हम क्या रखते हैं? तो सोफा सेट। इन इट वी वॉच डैश हियर, हम क्या देखते हैं वहाँ? तो वहाँ हम टीवी देखते हैं। ये जहाँ भी आपको क्या करना है? कलर करना है। इट हैज अ टू कर्टन्स, कर्टन्स मीन्स पर्दे होते हैं। तो कितने पर्दे हैं? तो टू कर्टन्स है। इट हैज अ राउंड टेबल, टेबल कैसे दिखाई दे रहा है हमें? तो टेबल हमें राउंड दिखाई दे रहा है। दिस इज अ लिविंग रूम। इट हैज अ सोफा सेट, इन इट वी वॉच टीवी हियर। इट हैज अ टू कर्टन्स, इट हैज अ राउंड टेबल्स। Using the picture as clue, filling the blanks. हमें क्या करना है? इस clue को जो दिया है वो देख के हमें filling the blanks complete करनी है। जैसे ये क्या है? तो ये है bee, honey bee. He is as busy as, honey bee कैसी होती है? तो हमेशा busy होती है, जो flower में से शहद लेके आती है और honey बनाती है। तो he is as busy as bee. This पेन इज अ लाइट एज अ, ये क्या है? तो ये पेन का भी उपयोग में आता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो ये फेदर है, ये एकदम लाइट होता है, हल्का होता है। तो दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर, ये क्या है? फेदर है, FEADHER, फेदर। राजा इज एज स्लो एज, राजा इज मतलब राजा कैसे स्लो स्लो चलता है, वैसे ये स्नाइल भी स्लो स्लो चलता है। तो ये क्या है? स्नाइल, SANIL, स्नेल। माई हेयर इज एज ब्लैक है, जो मेरे हेयर है वो कैसे है? ब्लैक है। तो ये जो क्लाउड दिखाया है वो कैसे है? ब्लैक है। तो कब होते हैं वो? नाइट में, NIGHT, नाइट, NIGHT, नाइट। Ask your friends too. जैसे ये बच्चा बताया हुआ है, उसका माउथ कैसे है? ओपन है। तो keep his mouth wide open, इसका जो माउथ है वो पूरा ओपन है, मतलब खुला हुआ है। और ये जो दूसरा बच्चा दिखाया गया है, keep his mouth half shut, उसका जो माउथ है वो हाफ है, मतलब आधा खुला हुआ है। और keep his, इसका माउथ कैसा है? पूरा क्लोज है। तो keep his mouth fully shut, मतलब पूरा उसका जो माउथ है पूरा बंद है। Find the right sentence, read the pairs of sentence below, filling the blanks in the second sentence with the opposite of the word in red. हमें क्या करना है? ये पिक्चर देखना है और सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद जो यहाँ दिया गया है सेंटेंस उसके अपोजिट में हमें लिखना है। जैसे कि द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, ये जो बच्चा दिखाया है वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो हमें इसके अपोजिट में लिखना है द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो, मतलब वो बच्चा बहुत धीमे धीमे चल रहा है। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। द क्लोन इज वेरी हैप्पी, अभी ये क्लोन है, क्लोन का मतलब होता है जोकर। तो द क्लोन इज वेरी हैप्पी, जो जोकर होता है वो कैसा होता है? हैप्पी होता है, खुश होता है। तो हमें हैप्पी का अपोजिट करना है द क्लोन इज वेरी सैड, मतलब ये जोकर बहुत सैड है, मतलब दुखी है। द गर्ल्स इज वॉकिंग ऑन अ रोप, ये रोप दिख रहा है आपको? तो वो रोप कैसा है? तो ढीला है, मतलब लूज है। तो ढीले को क्या कहते हैं? लूज। तो द गर्ल्स इज वॉकिंग ऑन लूज रोप, तो उसका हमें अपोजिट करना है। लूज का क्या होगा? तो टाइट होता है। तो द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप।
चेंज द फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ई एस आई एस आई ई एस एंड वी ई एस। हमें सिंगुलर और प्लूरल करना है, ये सिंगुलर को हमें प्लूरल करना है, मतलब एक वचन का हमें बहुवचन बनाना है। जैसे कि ये बफेलो है तो हमें क्या करना है, ई एस लगा के बफेलोज। हीरो हीरोज, पोटेटो पोटेटोज, बफेलो बफेलोज, हीरो हीरोज, पोटेटो पोटेटोज, मतलब एक पोटेटो और पोटेटोज मतलब अनेक पोटेटो। बेबी, तो बेबी का क्या आएगा, वाई हम कट करके आई ई एस लिखेंगे, तो बेबी बेबीज, मतलब एक बेबी और अनेक बेबियाँ। फ्लाई, फ्लाई में से भी वाई कट करके फ्लाइज। लेडी, वाई कट करना है हमें और लेडीज। बेबी बेबीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज। नाइफ, तो हमें क्या करना है, एफ ई हो उसे कैंसिल करके वी ई एस हमें लिखना है, तो नाइफ्स। उल्फ उल्फ्स, लॉफ लॉफ्स, हमें ऐसे सिंगुलर करके लिखना है। इसे आपको क्या करना है, अच्छी तरह से ध्यान से याद करना है और इसे आप क्या करोगे, होमवर्क में लिखोगे और इसके आगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ओके, थैंक यू।